नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं अभी? खेत में जा रहे हैं। इस सड़क का अभी स्थिति क्या है? अभी तो बहुत गड़बड़ है चलने में। कौन सा गांव है? तेजखत्ता। तो अभी आने जाने में किस प्रकार की परेशानी हो रही है आपको? अभी तो बहुत हंसराज। कहाँ घर कहाँ है आपका? मेरा घर तो रजखेता में है। रजखेता में। क्या अभी सड़क की स्थिति कैसा है? बहुत गंदा है, गाड़ी में आने से बहुत दिक्कत होता है। पैदल भी चलने से एकदम बहुत चलने से बहुत दिक्कत होता है। देते हैं? मेरे को तो लग रहा है नहीं देते हैं। अभी आ रहे हैं? अभी तो हम चाहते हैं कि बन जाए अच्छा अच्छे डगर रोड। सुपर सर। कहाँ घर कहाँ है आपको? रजखेता। क्या अभी समस्या क्या है? रोड के सब खाई पार करें, कहाँ है सब कानों की चढ़ दिखते नहीं है। सब स्थिति रोड का सब बेकार होगी। तो रोड की भी स्थिति कैसा है? पूरा कानों की चढ़ एकदम हो गया है। गाड़ी घोड़ा भी तो मुर्मीकरण भी हुआ है ना? नहीं अभी कहाँ है, वो कानों पूरा माटी गिरा के वो बर्बाद कर दे रहा है। मुर्मी कहाँ कर रहा है। किस प्रकार से परेशानी हो रही चलने में आपको? स्थिति एकदम में खराब है। तो कहाँ रोड छोड़ के किनारे रहना पड़ रहा है। तो बड़ी गाड़ी यदि आना जाना होगा तो किस तरीके से नहीं जाने पाएगा? गाड़ी कुछ दूर 2-3 किलोमीटर छोड़ देते हैं, रखे तक चल पाएंगे। ये तो कहाँ स्थिति। नमस्कार, मैं हूं विजयलाल मरकाम और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज का खास एपिसोड। वही बता दूं कि अभी इस वक्त मैं अपने गृह ग्राम निवास ग्राम पंचायत रजखेता में हूं। वही बता दूं कि लगातार हमने तो दूसरे गांव की अवहेलना करते आ रहा हूं और लगातार हर एक गांव की जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाते आया अपने न्यूज के जो कवरेज के दौरान। लगातार जो भ्रष्टाचार के सामने जो विलुप्त रहते हैं उनकी लगातार उजागर करता रहा है। लेकिन वही बता दूं, आज इस वक्त ऐसा समय आ गया कि मैं खुद अपने गांव में हूं और यहां से 500 मीटर की दूरी में मेरा घर पड़ता है। लेकिन अभी मेरा घर की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसको आप देखेंगे तो बदहाल स्थिति हो गई है। मेरे सामने ये देख सकते हैं किस तरीके से इस रास्ता की स्थिति खराब हो गई है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं केवल कुंभकर्णी नींद पे सो रही है। लेकिन वही बता दूं कि अब लगातार जिस तरीके से अभी उनकी जो काला चिट्ठा जो खुलने वाला है, और मैं आपको चलते चलते लगातार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के सरपंच सचिव किस कदर मनमानी करने को तैयार रहते हैं। वहीं लगातार लाखों रुपए की राशि डकारने वाले इन सरपंच सचिव की अब पोल पट्टी जो खुलती है तो इनकी जो मचलाहट जो हड़बड़ाहट जो होती है लगातार होती है। वहीं बता दूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में अभी आज रात को जो चला था, इसके बावजूद यहाँ के जो सरपंच पति हैं उनका फ़ोन आया, कुछ जनप्रतिनिधियों का फ़ोन आ रहा है। तो इसे साफ तौर पे जाहिर होता है कि आखिर इनमें भ्रष्टाचार में जो विलुप्त हैं उनकी कहीं ना कहीं काला चिट्ठा लगातार खुलते रहता है। लेकिन वही बता दूं कि किस कदर रास्ता में चलने के लिए भी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि की बात करें या सरपंच सचिव की, आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है। लेकिन अब आलम देखना यह होगा कि क्या खबर चलने के बावजूद ही यहाँ के अधिकारियों का नींद खुलती है या फिर कुंभकर्णी नींद पर ही सोती रहेगी। तब दून लगातार हमने खबर के दौरान जिस तरीके से पिछले बार भी खबर इस गांव का प्रमुखता से चलाया था, जहां सरपंच सचिव आनंद फानन गांव में मुर्मीकरण करा दिया, लेकिन उस मुर्मीकरण की हकीकत को दिखाने के लिए आज पुनः एक महीने बाद फिर मैं ग्राम पंचायत रजखेता में आ चुका हूं और रजखेता की अभी स्थिति को दिखाने वाला हूं कि क्या रजखेता में जो लाखों रुपए के नाम पे डकारने वाले सरपंच सचिवों की मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी। नमस्कार, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं आगे भी दिखाते रहूंगा कि आखिर इन जनप्रतिनिधियों की जो मनमानी किस कदर चलती है। क्या नाम है? मोहनलाल। कहाँ घर कहाँ है आपका? रजखेता। क्या अभी सड़क की क्या मतलब समस्या आ रही है? ढोढ़ा ये सड़क सारे खराब पे हा सारे तो, कीचड़ में कौन रहेंगे? ये तो आवत जात देखा था कीचड़ और वो नदी में मोर और सार बड़का कंकड़ हा, हमें कैसे कैसे पार हूँ। वो कहे कि आज बनाहूँ काली बना बनाते रहिए। नाम है?
वर्तमान कुमार और अचीव का नाम पता है सुनीता इसी हैं। उनका घर यहाँ से कितना दूर में है लगा है क्या नाम है राजू 100 मीटर जनप्रतिनिधि यदि के घर के सामने ऐसा रोड की बदहाल स्थिति रहेगा तो अन्य जगहों पे तो रोड की स्थिति क्या होगी। हाँ तो ये ना रहा है कि सारे देखते नहीं हैं कर भी नहीं करते हैं तो आप लोग कभी इनको अवगत नहीं कराते हैं कि बीडीसी जी रोड को मरम्मत करवा दीजिए। सब बोला है अगर पत्ते नहीं आज करवा हूँ काली करवा हूँ कह दे। हाँ अरे खुद हमरे जाना था